नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के नागपुर से, नागपुर मानेवाला बालाजी नगर में अलग अलग रूप में गरबा खेलते दिखे महिला बच्चे और पुरुष। नवरात्रि राज गरबा उत्सव मानेवाला बालाजी नगर में हर साल अलग अलग रूप में मनाया जाता है। सुप्रीम पावर न्यूज पर देखे कुछ झलकियां गरबे की। सुप्रीम पावर न्यूज सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की खास ग्राउंड रिपोर्ट नागपुर से। नवरात्रि राज गरबा का उत्सव मानेवाड़ा बालाजी नगर में मनाया जा रहा है और यहाँ पर काफी सारे प्रतियोगिता लोग आए हैं और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका परिचय? मैं प्रवीण तंत्रपाड़े इस नवरात्र राज गरबा को उपाध्यक्ष हूँ। हम पिछले 17 सालों से यह राज गरबा इस मैदान पे कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शक श्री गिरिज पांडव, गिरिंदो पांडव और इस नवरात्र राज गरबा के अध्यक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री मनोज जी गावंडे सर, जो प्रभाग क्रमांक 33 के माजी नगर सेवक भी है और बहुत लोकप्रिय नगर सेवक है, इनके अथक प्रयत्न से यह नवरात्र राज गरबा पिछले 17 साल से यहाँ पे बहुत ही सुंदर रूप से होता है जी। तो यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने राज गरबा में कितने लोग शामिल हैं? आज देखा जाए तो कल के मात्रा में आज बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है, कम से कम एक अंदर में 700 आज पार्टिसिपेंट्स है। ये 10 दिन में बढ़ सकते हैं। हर साल यहाँ पे कम से कम 2000 पार्टिसिपेंट्स को करते हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर सा माहौल होता है। हर साल बहुत गर्दी होती है, आज कम से कम 5000 लोग यहाँ पे आते हैं। क्या क्या सुविधा क्या है सर यहाँ पे, जैसे लोग आते हैं? सबसे पहले तो ये है, यहाँ नवरात्र राज गरबा जो है यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये नवरात्र राज गरबा सभी के लिए खुला है। ये नवरात्र राज गरबा में हमारे मनोज जी गावंडे इनके प्रयत्न से यहाँ पे किसी प्रकार की किसी को तकलीफ ना हो। इस यहाँ पर अच्छे अच्छे प्राइज भी दिया जाते हैं। 10 दिन सब माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या सहायता मिलती है यहाँ पे? पिछले 17 सालों से पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बहुत सुंदर सा प्रतिसाद मिलता है और ऐसे कुछ भी 17 साल में ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं, क्योंकि ये राज गरबा बहुत सुंदर राज गरबा है। मतलब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे, हम जैसे देख रहे हैं और ये गरबा भी चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे कितने लगे, क्या क्या बोलना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे सभी बातों का प्रिकॉशन दिया जाता है। यहाँ पे 18 सीसीटीवी कैमरे लगे और हर चीज़ों की हरकत ये सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी घटना घटने से पहले सीसीटीवी कैमरे द्वारा हमारे यहाँ पे मंडल के लोग और पुलिस प्रशासन भी वॉच किया करते हैं। क्या लगता है सर यहाँ पे कितने लोग आते हैं? यहाँ पर पार्टिसिपेट अभी आपको हमने बताया, आप जनता कितने लोग आती है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं गरबा देखने के लिए और कितने सारे ग्रुप रहते हैं यहाँ पे, ग्रुप कितने हैं यहाँ? वैसा देखा जाए तो इस बार यहाँ भी फिलहाल 5 ग्रुप है और 5 ग्रुप पे कम से कम 500 से 700 लोग है और यहाँ पे आने वाली जनता 5000 से 7000 करीब रोज की जनता आती है और हमें बहुत सारा बहुत अच्छा प्रतिशत मिलता है। क्या इनाम क्या रखे सर आप यहाँ? इनाम कैसा है, 10वें दिन तक के हम इनाम कभी बताते नहीं है, ये सबके लिए सरप्राइज रहता है। लेकिन इनाम के लिए यहाँ कोई खेलते नहीं है, यहाँ पे उत्साह ऐसा रहता है कि इनाम तो सेकेंडरी हो गया लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है जी। तो ये आप नज़ारा देख रहे थे, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं गरबा में उत्साह बढ़ाने के लिए, काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। धमाल पार्टी द्वारा तांडिया का प्रोग्राम बालाजी नगर में किया जा रहा है और हमारे साथ कुछ कार्टून लोग हैं, कार्टून लोग से बात करेंगे। आपको सुने आएगा, मैं बोलूंगा तो बिल्कुल, क्या लग रहा है, कैसा डांडिया हो रहा है आपका? बहुत अच्छा जी। क्या बोलना चाहेंगे आप, कब से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? 2 सालों से कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मजा आती है। बिल्कुल। तो अभी हर दिन आपका ड्रेस चेंज होंगे कि वही आपका ये रूप रहेगा? नहीं नहीं, हर दिन चेंज होगा। चलो, तो यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आप जैसा ये नज़ारा देख रहे सब लोग अलग अलग रूप में है और हम पूछेंगे एक सवाल। सर, आराध्य धमाल पार्टी से आप हैं यहाँ पे, धमाल डांडिया से आप कौन है? मैं यहाँ पे अभी 8-9 साल से सर की तरफ खेल रहा हूँ, कुणाल सर की तरफ। लोगों को यानी ये ग्रुप मेरे लिए बहुत काफ़ी पुराना ग्रुप है, ये ग्रुप में मैं इसके पहले भी बहुत कॉम्पिटिशन्स खेल चुका हूँ और हर चीज़ मैं यही से करता हूँ आराध्य धमाल जी। इसके लिए क्या तैयारी क्या होती है? इसके लिए हमारा 1.5 महीने पहले क्लास चलता है राजवाड़ा पैलेस है, रोमार्स हॉस्पिटल के सामने, बस वहीं पे हमारा क्लास चलता है। कितने स्टूडेंट आपके पास आते हर साल? अभी तो 250 के ऊपर हो गए इस साल स्टूडेंट। क्या आप उनसे पैसा वैसा लेते हैं, कुछ खर्चा लेते हैं? 500 रुपीज़ फी रहती है हमारी, 1.5 महीने की 500 रुपीज़ फी रहती है। चलो देखो, यहाँ पे 1.5 महीने में इनका 500 फीस रहती है और हर दिन इनको ड्रेस चेंज।
राज गरबा आपका है सर? मैं हूँ और मेरा पार्टनर शुभम है, शुभम जामुलकर, और हम दोनों ने मिलकर अरेंज किया है। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है गरबा में आपको? कंटिन्यू सिखाना पड़ता है, प्रैक्टिस लेना पड़ता है, एक एक स्टेप को बहुत बार रिपीट कराना पड़ता है जब तक कि क्लियरिटी नहीं आती। और इसमें सबसे मेन चीज ये है कि सभी की बॉन्डिंग काफी जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आपकी बॉन्डिंग जबरदस्त होती है तो गरबा खेलने में माहौल लगता है, बहुत मजा आता है। अगर तालमेल नहीं बैठता है गरबा का तो वो पूरा खिचड़ी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता खेलने में। जैसे गाने बज रहे खतरनाक, बिल्कुल नाचने की इच्छा होती है आपको? बिल्कुल, बहुत ऐसा लगता है कि मैं झूम लूं, लेकिन हमें सबको झुमाना पड़ता है, सबको नचाना पड़ता है, तो उसके साथ तालमेल मिला के चलना पड़ता है। ये काल रात्रि रात गरबा कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम है। ये जो लड़के बच्चे जो भी आए हैं कहाँ कहाँ के, मतलब ये सभी नागपुर के हैं, रामेश्वरी में, रामेश्वरी एरिया में हमारा फिटनेस डांस स्टूडियो है, वहाँ से हमने शुरुआत की, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, वही के जो एरिया के बच्चे हैं और बड़े लोग भी हैं, सभी वही से हमने ज्वाइन किया था। गरबा में आने के बाद क्या लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। कैसा मजा आ रहा है? ये मेरा पहला साल है, ये मेरा पहला साल है गरबा में जी, और श्री द्वारका ग्रुप में बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, आप कहाँ के रहने वाले हो? नागपुर से ही है। नागपुर से, मतलब नाचने में ज्यादा इंटरेस्ट है? नहीं, ये मेरा पहला साल है। चलो, हमारे साथ मैडम है, मैडम आपसे बात करेंगे हम। गरबा में आने का कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम आपने इसके पहले आया? सेकंड टाइम है जी। क्या क्या फीलिंग क्या होती है आने की? बहुत मजा आता है, 9 दिन बहुत पैजर रहती है और सब लोग दिखते हैं, सब लोग डांस करते हैं, सब एक साथ रहते हैं सब लोग। आप रहने वाले कहाँ के? मानेवाड़ा। मानेवाड़ा से आप जो देख रहे हैं, ये जो ग्रुप है आराध्य ग्रुप है, और यहाँ पर एक सर है हमारे साथ, इन्होंने काफी सारा स्ट्रगल किए, काफी सारे बच्चे इनके पास हैं, और ये बालाजी नगर की जान है गरबे की, इनके मुंह से मुझे सुनने वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या आपका नाम क्या? मेरा नाम कुणाल रंगारी है। कुणाल रंगारी जी, कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलना है, यहाँ की फैन बॉलिंग भी बताएंगे आपको कि क्या आराध्य के बारे में क्या बोलना है और कुणाल रंगारी के बारे में क्या बोलना है, और ये जो गरबा आप जो देख रहे हो, आप यहाँ पे आए जो न्यूज देने के लिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप हमसे मुलाकात किए, पर नागपुर शहर में ये भगवान नगर के समान कहीं वह पाएगा तो शायद ही कहीं नहीं होगा। ये पूरे नागपुर शहर की बात बोले तो, साउथ और ईस्ट की बात करो तो, चलो मतलब नागपुर शहर में भगवान नगर जैसे गरबा कहीं नहीं होता बोलने का इनका ये। तो सर, आपके पास कितने सारे स्टूडेंट है और आप सबसे ये ट्रेनिंग दे रहे? विदिन मैं अभी 18 साल हो गया मेरा, ये 18 साल से मैं ये गरबा वर्कशॉप चलाता हूँ, और विन ये गरबा रात ही नहीं चलाता हूँ, इवन मैं महाराष्ट्र स्टेट लेवल जीता हूँ, महाराष्ट्र पूरा मुझे महाराष्ट्र जानता है, और 18 साल से मेरा वर्कशॉप चल रहा है, और मेरे पास 2500 स्टूडेंट्स है, मेरे अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग स्टूडेंट्स चलते हैं, 3 साल से लेकर 62 ईयर्स ओल्ड लेडीज है मेरे पास। चलो, सबके अलग अलग अनुभव हमको। अब ऐसा लग रहा है कि हम जैसे गाने बज रहे हैं ना बिल्कुल, हमको भी नाचना सीखे, तो हम पूछ लेंगे आरंभ ग्रुप से कैसा आरंभ हुआ? आरंभ तो वैसे मतलब इच्छा बहुत थी, तो सोचा कुछ खुद का ग्रुप करे, तो मेरे भैया लोग थे उन्होंने किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे इधर, वो कहीं और गए, तो हमने फिर से प्रारंभ किया उसका। मेरे हिसाब से आपका पहला साल है? हाँ, मेरा पहला साल है, सिखाने का पहला साल है। हम इसके पहले भी खेलते थे सेम नाम से, बस हम लोग सिखा रहे हैं सर। तो अभी आपके पास कितने सारे स्टूडेंट हो? 55। कैसा लग रहा है आपको, फर्स्ट टाइम आप गरबा कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? गरबा तो मतलब 6 साल से खेल रहा हूँ, बट पढ़ाना खुद का ग्रुप लाना ये फर्स्ट साल है, और बहुत मजा आ रहा है। बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको खेलना पड़ता है, सबको सिखाना पड़ता है, सबको अपने के साथ बहुत खतरनाक काम है, जितना ज्यादा स्ट्रगल उतना ज्यादा मजा आता। राज दरबार में आदिवासी लोगों का भी कुछ महत्व दिखा है हमको, आप कैसे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, पूछेंगे आपको ये सर, आप कहाँ से रहने वाले हैं, क्या बोले? नगर नागपुर जी। तो ये वेशभूषा आपको कहाँ से समझ में? हम लोग हर साल अलग अलग यूनिट करने का सोचते, तो इस बार हमने सोचा कि आदिवासी करेंगे, मतलब हर दिन आपका रंग बदलेगा जी जी। तो ये आपको कहाँ से समझ रहे हैं कि आज इनको ये पत्ते पहना है? ये सब मेरे टीम में सब मेरे को साथ देते, वो लोगों ने यूट्यूब में देखा और मुझे बोला कि आपके पर एक टीम रखने का है। कल क्या रहेगा आपकी? कल हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, और आज क्या है? आज हमारा ये आदिवासी। आदिवासी, चलो आपने तो बड़ा कलर खोजे सर, ये आया कहाँ से, कैसे डाल दिया आपने इसको? Bye-bye.
बोलने भी आदिवासी बोल रहे हैं आपके नस्ले पहन के दर्द तो नहीं हुआ खर्चा जाता है, ये तो फ्री में मिल जाती है, पत्तियाँ तो होती है फ्री में मिल जाती है, ये भी बहुत सस्ती है, सब अरेंज हो जाता है। चलो एक मैडम वीडियो बनाते नजर आ रही है हमको, मैडम जी क्या बोलोगे, कैसा लग रहा है गरबे के बारे में? हमेशा ऐसा लगता है हमेशा आती हूँ यहाँ पे और सपोर्ट करती हूँ मैं, ये सारा हमारे मतलब आठ साल से खेलते हैं साथ में और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब सर के बाद ये थोड़ा बहुत उसके वो जो चुना है ना नाक पे जो पहना ना मैंने आप ही साथ में आता वो गरबे का नाम क्या है? जलसा ग्रुप। चलो सर आप इतना सर दस से कहाँ से आए? हम सीधा अमेजोन से जंगल से पकड़ के लाए, हमें हम घूम रहे थे घूमते घूमते सीधा हमें अमेजोन जंगल से पकड़ के ला लिए। जंगल का आदमी एकदम शहर में बैठ जाए भैया, जंगली आदमी जब शहर में आता है तभी उन लोग देखने का मजा आता है, लोग आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हम भी आकर्षित हो गए इसलिए आपके पास आ गए। तो हम बात करेंगे सर, तो गले में कौन सी चूड़ी पहन ली आपने? ये मेरी बहन की है जो गले में पहन रहे वो मैंने पहना है। तो ये आपको क्या लग रहा है आपने कौन सा रूप धारण किया बताए? आदिवासी। बिल्कुल, तो आदिवासी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, आदिवासी के बारे में लोगों के बारे में क्या? आदिवासी बहुत प्राचीन है ये रिवाज है, वहाँ के लोग शंकर भगवान को ज्यादा मानते हैं, तो हमने यार डिसाइड किया था कि आज के दिन आदिवासी पहनना है हमारे पूरे ग्रुप में, तो पहन लिया थोड़ा सा बहन का दाग दुख के सामने।